राज्य प्रदूषण बोर्ड ने नगर परिषद व तहसीलदार डिडवाना को नोटिस भेजकर सीवरेज से आ रही समस्याओं को लेकर जवाब मांगा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए एनजीटी ने बनाई है कमेटी। 70 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना आने के बाद भी पूरा डिडवाना शहर गंदे पानी की समस्या से जूझ रहा है। नगर परिषद के द्वारा एसटीपी से निकलने वाला परिशोधित पानी का निस्तारण कैसे किया जाए वो उनके पास प्लान नहीं है, जिसकी वजह से पूरे आसपास के एरिया की जमीन खराब हो चुकी है। हाल ही में एडवोकेट सरवर खान की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में एक पत्र याचिका दाखिल की गई, जिसमें एनजीटी भोपाल ने अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सदस्य, जिला कलेक्टर डीडवाना के एक प्रतिनिधि और केंद्रीय भूजल बोर्ड के एक सदस्य इस कमेटी में होंगे, जिन्हें जगह पर जाकर मौका मुआयना करना है और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट एनजीटी भोपाल में पेश करनी है, जिसकी आगामी तारीख 30 जनवरी 2024